Pranam Bharat. Pranam Bharat. मेरा नाम तेंजिन चोकी है. मेरा जन्मभूमि नॉर्थ ईस्ट शिलोंग इंडिया से है. इस वजह से मैं भी भारत की बेटी हुई. भारत के स्वतंत्रता दिवस को आप सबको हार्दिक बधाई. और इसके साथ साथ मेरा आपसे कुछ गुजारिश भी है. और भारत के सभी देशवासियों, दुनिया के हर कोने में जहां भी हो जैसे भी हो, सबको चंद्रयान का चंद्रमा की तरफ सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. और मैं आप सबको विश लक और सक्सेसफुल होने की दुआई देती हूँ. इसके साथ साथ मैं आप सबको थोड़ा आप सब से कुछ गुजारिश भी करनी है. वो क्या है कि वैसे तो मैं इंडिया से जन्मी हूँ और बड़ी भी वहीं हुई हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है कि कुछ खटता है. अभी मैं अमेरिका में हूँ, फिर भी कुछ ऐसा है कि जो खटता है. वो ये है कि स्वच्छ भारत होने के साथ साथ मुझे लगता है कुछ कूड़े के साथ साथ कुछ ऐसे मानसिक संतुलन लोगों को भी सफाई करना बहुत जरूरी है जो हमारे ही आसपास इर्द गिर्द में घूम रहे हैं. और उनमें से एक ये आचार्य ऋषि फिंसो करके है. ये बंदे को अच्छे से देख लीजिएगा. ये बंदा है ऋषि फिंसो. कहने को इसने आचार्य भी किया हुआ है, लेकिन मेरा दिल्ली वाले से, खास करके दिल्ली वाले से मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी महिला संस्था या महिला आयोग, महिला उद्योग, राही फ्रॉम दिल्ली, प्लीज इस केस को इन्वेस्टिगेशन जरूर कीजिएगा. क्योंकि ये बंदा लाजपत नगर रमेश मार्केट में रहते हैं और रहते भी थे और है अभी भी. सो इसने हम जैसे छोटी उम्र के जो महिला वहां पे पढ़ने आते हैं, कॉलेज के लिए या काम के लिए आते हैं, इन सब के मानसिक संतुलन में तंग किया हुआ है. सो इसे अच्छा से देखिए और प्लीज इसके लिए कुछ कदम उठाइए. मेरा आवाज इस इशू के लिए उठाकर अभी साल होने को आ रहा है. अक्टूबर सितंबर तक साल होने को आ रहा है. और ये पहले टिबेटन पार्लियामेंट के डिप्यूटी स्पीकर भी रह चुके हैं. तो इसके लिए कुछ कीजिएगा, नहीं तो जो भारत में हम जैसे लड़कियां, भारत की बेटियां, हमारी मानसिक संतुलन इस सब में
कुछ ना कुछ खट तो आएगा ही. सो मेरा आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसके लिए कुछ कीजिएगा. वैसे मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया है. मैंने बहुत जहां भी लिखना हो, जहां भी प्रोटेस्ट करना हो, ये सारे मैंने कर चुकी हूँ. अभी एक साल होने का आया है, मैंने आपको बता दिया. मैंने टिबेटन गवर्नमेंट को भी लिखा है, टिबेटन वुमेन एसोसिएशन सेंट्रल को भी लिखा हुआ है धर्मशाला में, और टिबेटन वुमेन एम्पावरमेंट को भी लिखा हुआ है. मेरे पास हर किसी को जिसने मैंने कॉन्टेक्ट किया वहां से मेरे पास लेटर है कि इस बंदे ने जो कुछ भी किया है वो जीरो टॉलरेंस है बोल के. इसलिए मेरा आप सबसे विनती है कि आप हमें सहयोग कीजिएगा और भारत में रह रहे जो अपने माँ बाप को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते, जो दिल्ली में आके पढ़ाए और कुछ करने की सोचते हैं, उन लोगों के लिए कुछ कीजिएगा. इस बंदे को फिर भी अच्छे से देखिएगा. ये देखिए, ये टिबेटन पार्लियामेंट का डिप्टी स्पीकर रह चुका है. हाल ही में मैंने बुद्धिस्ट ग्लोबल समिट के द्वारा मैंने इसको न्यूज एक्स करके न्यूज चैनल में पाया है. ये बंदा कुछ दूसरे पार्लियामेंटेरियन जैसा यूडन ओकाथांग और हागेरिन नामगे डोका करके, इन दोनों के साथ में मैंने पाया है. सो इस तरह के का करतूत जो है पार्लियामेंटेरियन है, पॉलिटिशियंस है, पावर है, बल्कि ये लोग कुछ भी कर लेते हैं. प्लीज मेरा मदद कीजिएगा इन लोगों को सही रास्ते में लाने का, क्योंकि ये भी एक कूड़ा ही है. सो स्वच्छ भारत बनाने के लिए सिर्फ कूड़ा ही सफाई करके नहीं होगा, बल्कि मानसिक संतुलन सफाई करना बहुत जरूरी है. वैसे नामगे डोका करके उसने टिबेटन पार्लियामेंट के अंदर इस बंदे को भी सफाई करने की सोची, जो हम जैसे औरतों के लिए एक शर्मिंदा ही नहीं बल्कि बेइज्जती करना होता है. जो सेक्सुअल असोल्ट के लिए आवाज उठाते हैं उसके लिए आवाज दबाना होता है. तो मेरा आप सब भारतीय से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिएगा. मुझे रोना आ रहा है क्योंकि मैं इमोशनल हो रही हूँ. ये एक साल होने को आया है और मैंने बहुत कुछ सहा है. मुझे आप सबका हेल्प चाहिए. प्लीज ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और जो भी संस्था हो मुझे मदद करना चाहती हो मुझे प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिएगा. मेरा मेरा YouTube में चैनल भी है एग्जाइल वॉइस करके, सो वहां भी कर सकते हो, या आप मुझे ईमेल एड्रेस में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो. मेरा ईमेल एड्रेस chokthreyokey@gmail.com है. मेरा मदद कीजिएगा. ये एक साल से ज्यादा हो रहा है. जो मुद्दा मैं उठा रही हूँ वो 2009 से है. सो आप समझ सकते हो कि कितना सालों से मैंने ये सब पीड़ा दबाया हुआ है. मेरी रातों की नींद, दिन की चैन, और स्पेशली ये लास्ट वन ईयर से मैं बहुत तकलीफ में हूँ. आप लोग समझ सकते होंगे कि मैंने क्या क्या नहीं झेला है, और मैं बहुत सीरियस हूँ. मैं हर दरवाजे पे खटखटा रही हूँ मदद के लिए. अगर आप में से कोई भी मुझे यहाँ से सुन पाते हो तो प्लीज मेरा मदद कीजिएगा मुझसे संपर्क करने के लिए. थैंक यू. भारत महान. उसके साथ साथ मैं इस अच्छे से अवसर को थोड़ा ब्राइट कर दूंगी. इंडियन नेशनल गाना गाके, जन गण मन अति नायक जय है भारत.
भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड कलबंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलति तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है, जय 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 है। अगर मेरे आवाज मोदी योगी या किसी से भी कोई भी भारत कोई भी मुझे सुन रहा है प्लीज मेरी मदद कीजिएगा। थैंक यू। मैं न्यूयॉर्क से तंजिन चौकी।